अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बहुत खुश होंगे, खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। तो आज की वीडियो में आपके साथ तीन फ्रेश किस्म के हेयर स्टाइल्स शेयर कर रही हूँ, जो कि क्यूट भी है और अच्छे भी लगते हैं। वैसे भी सर्दियाँ आ रही है, तो हम जब स्कार्फ वगैरह पहनते हैं या फिर गले में कुछ डालते हैं तो हमेशा बाल खुले नहीं रख सकते, तो कैसे हम अपने बालों को ऊपर 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 बन की तरह बना सकते हैं, उनके लिए तीन से हेयर स्टाइल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो जरूर देखिएगा, पूरी देखिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। सबसे पहले आपको चाहिए एक अदद ऐसी टेल कॉम, और आपको चाहिए रबर बैंड्स, ठीक है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन सा कलर रबर बैंड का लगाना है, ब्लू, पर्पल, ब्लैक, व्हाइट, जो भी आपको चाहिए आप वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि बालों को कर लेंगे पीछे, और इस जगह से निकालेंगे मांग, यानी के ऊपर से लेके सेंटर से कान के पास तक ऐसे निकाल लिए, और ये बाल रहेंगे अभी, और फिर इसी तरह इस जगह से ये जब यहाँ से किए पीछे ऐसे, तो ये बाल। अब ये जो पीछे वाले बाल है इनकी बना लेनी है पोनी, इनको कर देंगे आगे, और ये जो है हमारे इधर से बाल यहाँ से निकालेंगे मांग। अब ये वाले जो बाल हैं इनको आगे करके चुटिया, अब ये जो नीचे बाल है इनका क्या करना है कि इनको हमने लेना है, पहले लगानी है पोनी इधर, सॉरी रबर बैंड, रबर बैंड किया और इधर से इनको किया टाई। टाई करने के बाद इसकी बना ली चुटिया, जो बीच में बालों के गैप्स हैं क्योंकि फ्रंट पे बाल कम होते हैं हमारे यानी सर पे, तो इनकी टेंशन ना लें, इनको भी अभी हल निकालेंगे ऐसे बना लें। ठीक है, इसको कर दिया पीछे पोनी में रैप, इसी तरह एक साइड पे किया और इसको पीछे लेके गए पोनी के अंदर ऐसे करके रैप, नीचे वाली साइड से पोनी के अंदर डाल दिया, ऐसे हो गया। अब क्या करना है कि ये आपके पास दो ऑप्शंस हैं, एक नजर तो नजर नहीं आ रहा मुझे, आप लोग के पास दो ऑप्शन है, ठीक है। एक तो ये कि आप इनको डायरेक्ट पीछे लेके जा सकते हो ये जो चुटकियां बनी हुई है, या फिर आप इनको इस वाली को इस साइड पे लेके जाएं, यानी दोनों को ऑपोजिट डायरेक्शन में जिगजैग की शक्ल में, और इसको भी इसी तरह पोनी के अराउंड रैप और फिर नीचे से पोनी के अंदर, इसी तरह आप इस दूसरे को लेके गए उसको हम इस साइड पे लेके गए हैं, तो इसको ऊपर से उस डायरेक्शन में लेके जाएंगे से, और नीचे से अंदर, ठीक है। अब ये
रबर बैंड का कलर आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने क्या कलर यूज करना है। ये अपनी थोड़ा लूज है तो अगर पीछे से कोई थोड़ी लूज रह जाती है तो आप क्या करो कि वो पेन लेके पेन के साथ उसको नीचे वाली साइड पे आपने टाइट और जी जो भी यहाँ पे गैप्स हैं फरवात हैं स्पेसेस हैं उनको आपने क्या करना है कि वैसे तो आजकल बड़े स्प्रेज भी आए हुए हैं कि आप लगा सकते हो और अपने सारे यानी बाल पता भी नहीं चलता बाल ही आ जाते हैं। तो आप लोग क्या करो कि कोई भी डार्क कलर का आई शेडो लो जो आपके बालों के साथ मैच करे और फिलअप कर लो। मैं यहाँ से इतने ज़्यादा फिल नहीं करती क्योंकि मुझे थोड़ा सा फेक लगता है, लेकिन जैसे यहाँ से मैंने किया है यहाँ से किया है ये हल्का हल्का किया है तो बहुत लाइट कवरेज करती हूँ लेकिन करती हूँ। तो आप लोग भी ये टिप कर सकते हो। अच्छा जी, हेयर स्टाइल नंबर टू के लिए पोनी इसी तरह ऊपर बने रहे और मैं यहीं से कर दूँ। अच्छा, अब जूड़ा बनाने के बाद इसी तरह फ्रंट पार्टीशन को निकालना है बाहर और अब क्या करें। ठीक है, तो अब पहले बालों को इन बालों को हम कर लेंगे चार सेक्शंस में डिवाइड या तीन सेक्शंस में डिवाइड, टू और थ्री। अगर आपके बाल ज्यादा है तो आप फोर सेक्शंस भी बना सकते हैं। ठीक है, और इन बालों को रबर बैंड से टाई कर लें। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना है कि जब ऐसे हो जाए तो आप लोग पास दो ऑप्शन है। एक तो ये कि आप इनको सारों को यहाँ पे चुटिया बना लो, यहाँ पे चुटिया बना लो यानी रबर बैंड के नीचे सारी चुटिया बना के और उसी तरह पीछे रैप ज़िगज़ैग में काट दो। ठीक है, और दूसरा ये जो कि मैं करने वाली हूँ, मैं क्या करूँगी कि इनको ट्विस्ट ऐसे 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 ट्विस्ट और जूड़े की गिर्द उसी तरह रोक दी जाऊँगी। आप चाहो तो X की शेप में ऐसे यानी इसको साइड पे और उसको इस साइड पे ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों को भी कर सकते हो। ठीक है, ऐसे। ठीक है, अब इनको इनको उसी तरह ट्विस्ट 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 और नीचे वाली साइड से ऊपर रोल करते हैं। अगर बाल निकल रहे हैं आपके, क्योंकि मेरे बाल थोड़े से हल्के हैं और अटक जाते हैं यानी जहाँ पे अगर मैंने सेट करो तो, अगर आप लोगों के बाल बहुत ज़्यादा सिल्की हैं या ज़्यादा हल्के हैं तो आप जो पिन का यूज करो और बालों के अंदर अंदर नीचे वाली साइड से पिन लगाते जाना बालों पर से टाई करने के बाद से। अच्छा, अब थर्ड हेयर स्टाइल के लिए आपको क्या चाहिए, एक अदर स्क्रंची ऐसे पोनी। इसको आपने क्या करना है कि ये कोई भी कलर की आप ले सकते हैं क्योंकि इसमें नजर नहीं आना, इसीलिए कोई भी कलर यूज कर सकते हैं। इसको क्या करना है कि आप जिस भी साइड से मांग निकालते हो यानी इस साइड पे निकालते हो या फिर इस साइड पे निकालते हो वो निकालो, लेकिन सीधी मांग ना निकालो, साइड से ही निकालनी है, पार्ट साइड से करना है लेकिन उसको थोड़ा टेढ़ा ऐसे निकालो। ठीक है, मैं इस साइड पे निकालती हूँ, मैं इधर से लूंगी और बाकी सारे बाल पीछे
अब हमें इन बालों को ऊपर नहीं करना या फिर स्ट्रेट ऐसे कंघी से करके फिर पीछे नहीं करना, जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में इनको ऐसे नीचे ब्रश करना है और यहाँ से कान के पीछे, ठीक है। जैसे मैंने बोला है कि आपको हेयर स्प्रे या क्रीम जेल जो भी है, अगर बहुत ज्यादा सिल्की बाल है तो वो यूज कर सकते हैं। अच्छा लग रहा है और आई होप कि आपको भी अच्छा लगेगा और इजी भी बहुत।